प्रेम का ये स्वभाव है कि गुरु जब भी उसमें दासभाव करने लगते हैं तो मन सो वृत्तियों नस्यु, हमारे मन की वृत्ति कृष्ण पादम आश्रया, कृष्ण के चरणों का आश्रय ग्रहण करने वाली हो, अर्थात हम तो सदा ही अब नारायण वाले को तो भूल गए, नारायण तो हमारी जिह्वा पे आते नहीं है, बेटा ही बेटा का नाम आता है, कृष्ण की चर्चा ही होती है, तो हमारी मन की वृत्ति कृष्ण में ही लगे, हमारी वाणी कृष्ण के नामों का ही उच्चारण करे, हमारा शरीर कृष्ण की सेवा करते हुए विराजमान हो, और कर्म में हम भ्रमण करते हुए जहां भी जाएं ईश्वर की इच्छा से, या तो कृष्ण ईश्वर नहीं वो नारायण जो वास्तविक ईश्वर है जिनके नाम को हम भूल चुके हैं, संसार में फंस करके आकर ऐसा संसार में सबको ही होना चाहिए, तो इस संसार में फंस करके जिसके नाम को हम भूल चुके हैं वे नारायण हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, उनके कर्म के बंधन में फंसे हुए हैं, इसलिए जहां तहां भटक रहे हैं, परंतु मंगल आचरण करते हुए इतने पर भी हम नारायण से यही चाहते हैं कि नारायण हे नारायण कृष्ण में हमारी प्रीति हो, जिसको सब लोग ईश्वर कहते हैं ऐसे तुम्हारे ईश्वर में, उन ईश्वर में हमारी प्रीति अपूर्ण रूप से हो। ये बाबा के प्रेम में विकलता में ये वचन है, परंतु यहां रतन कृष्ण ईश्वर कह करके एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि ईश्वर कहते हुए नंद बाबा का कृष्ण के साथ में जो संबंध है ब्रजराज का, वो कभी भी छूटा नहीं। अर्जुन जिस समय कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दिखाया, विष्णु का दर्शन कराया, अर्जुन हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, बोल मैं काम पकड़ता हूं, ठक बैठक लगाता हूं, मैंने हे कृष्ण हे दामोदर ऐसा कहकर के सखा कहकर के आपको जो संबोधित किया ये मेरी गलती थी, उसको क्षमा करेगी लो। अर्जुन का जो सच्ची प्रीति थी उसके ऊपर लग गया चौका, पूरी सच्ची प्रीति समाप्त हो गई, और कहा कि मैं आपका अनेक अनेक बार अपराध करने लगा, हे मित्र हे सखा हे कृष्ण ऐसा कहकर के आपको जो तू काले से संबोधित करते करने लगा वो मेरी गलती थी, सखे की मत्वा ऐसा मानकर कि मैंने जो तुमसे कहा वो मेरी गलती थी, उसे क्षमा करो। तो अर्जुन ने अपने मित्र भाव को न्यून कर दिया, छोड़ दिया। इसी प्रकार से देव की बस्ते उनने कुरुक्षेत्र के यज्ञ में ऋषियों के मुख से सुना कि कृष्ण ईश्वर है, नारद जी के मुख से सुना कि कृष्ण ईश्वर है, और एक देव की बस्ते दोनों हाथ जोड़ करके रामकृष्ण के सामने एक बहुत बुरी अश्लील बात कहने लगे, सुनने में भी बुरी लगे भक्तों कि युवा ननस्सु कहो कि आप हमारे बेटा नहीं, आप तो जगदीश्वर, ऐसे कठोर वचन, इतने अश्लील वचन उनको नंद श्री देव की बस्ते के मुख से निकल गए। तो ऐश्वर्य ज्ञान यदि मथुरा के प्रकरण में उत्पन्न होता है तो उनका प्रेम शिथिल हो जाता है, यदि द्वारका प्रकरण में कभी ऐश्वर्य ज्ञान उत्पन्न होता है तो अर्जुन युधिष्ठिर इनका प्रेम शिथिल हो जाता है, संबंध शिथिल हो जाता है, पर नंद बाबा का संबंध शिथिल नहीं हुआ है। रत्न कृष्ण ईश्वर है, वो कृष्ण हमारा है, अपने उस कृष्ण में जिसको तुम ईश्वर कहते हो, जगत ईश्वर कहता है, और हम भी उसकी हमें हम ला रहे हैं कि ईश्वर ईश्वर कहकर के वो अंतर्धान होकर के हमारे भिन्न लौटा है। यदि अभी हम ये कहने लगे तो कृष्ण ने जो कूटनीति चलाई है कि मथुरा वासियों को कब छोड़कर के मुझे वृंदावन जाना है, द्वारका वासियों को छोड़कर के कब मुझे वृंदावन पहुंचना है, उसकी इस योजना में
हम सहायक होंगे, विरोधी नहीं होंगे। इसलिए दूसरों को दिखाने के लिए हम यहां कर रहे हैं कि जो तुम्हारा ईश्वर है उसमें हमारी रति हो, ये दिखा दे। पर तत्वतः उन्होंने कृष्ण के प्रति निज भाव को नहीं छोड़ा। क्या हुआ ये इस पूरे प्रसंग में यही रहस्य है। नहीं तो यदि ये हो जाए कि कृष्ण ईश्वर है तो हो गया प्रेम का चौका। पर यहां पर नंद बाबा का कृष्ण के प्रति पुत्र भाव कभी भी समाप्त नहीं होता। श्री जगन्नाथ पुरंदर विश्व पुरंदर उनका श्री गौरहरि में निमाई में कभी भी पुत्र भाव समाप्त नहीं होता है। श्री शची मां स्वप्न सुनाती हैं, बोले निमाई जब पेट में था उस समय मुझे लग रहा कि देवता आकर के स्तुति कर रहे हैं। निमाई खेलता है तो अनेक अनेक बार मैं अपने आंगन में देखती हूं कि देवता लोग आकर के आकाश में से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। मेरे आंगन में फूल पड़े हुए दिखते हैं, कहां से आ गए फूल। देवता स्तुति करते हैं। फिर भी श्री मिश्र पुरंदर वे निमाई का शासन करते हैं। शची मां निमाई का शासन करती हैं, मिट्टी खाते हैं तो डांटती हैं, शासन करती हैं। जब कोई ये कहे, जितने भी पाप पड़ोस के लोग हैं वे आकर के कहते हैं, कोई कोई श्री जगन्नाथ मिश्र पुरंदर को समझाते हैं कि निमाई तो ईश्वर है, उसके प्रति तुम आदर का भाव रखो। मिश्र पुरंदर कह रहे हैं, देखो जी चाहे कुछ भी हो जाए पर निमाई मेरा पुत्र है, मैं उसको जैसे चाहूंगा वैसे उसको अनुशासित करूंगा। और अनुशासित करते हुए ये मैं नहीं कह छोड़ सकता हूं कि निमाई ईश्वर है, ऐसा भाव मेरे हृदय में कभी नहीं आ सकता है। नंद भाव के हृदय में कभी ये भाव नहीं है कि कृष्ण ईश्वर है। श्री जगन्नाथ मिश्र पुरंदर उनके हृदय में कभी ये भाव नहीं है कि निमाई ईश्वर है। अनेक अनेक चरित्रों का साक्षात दर्शन करते हैं, ऐश्वर्य का भी दर्शन करते हैं कि सर्प को पकड़ करके निमाई खेलना आश्चर्य की बात है। श्री चैतन्य भागवत में अनेक अनेक चरित्र उनको निरूपण किए, सर्प के साथ में खेल रहे हैं, चरण में मुंह पर धारण नहीं कर रखे हैं महाप्रभु ने, और जब चल रहे हैं तो मुंह पर की आवाज आ रही है, मां आश्चर्य पड़ रही है। शची मां बोले क्या बात है, नूपुर तो मैंने पहला ही नहीं है और आवाज कहां से आ रही थी नूपुर की। तो ये नूपुर के अद्भुत रत्न नूपुर की आवाज सुन करके मां आश्चर्यचकित हो जाए। फिर कह रही वो अरे मेरे काम का बहन होगा, उसको भ्रम करके छोड़ देते। तो जो प्रेमी परकर है वृजिका परकर श्री महाप्रभु के जो नवद्वीप का परकर है, वो नवद्वीप का परकर ही श्री जगन्नाथ मिश्र पुरंदर श्री शची मां, ये श्रीमद महाप्रभु के प्रति कभी भी इनमें ईश्वर भाव नहीं आता है। सेवा करती हैं परंतु ऐश्वर्य भाव आने पर निज संबंध कभी भी शिथिल नहीं होता, निज संबंध बना रहता है। जहां ऐश्वर्य भाव आने पर निसंबंध शिथिल हो जाए उस प्रीति को न्यून कोटि की प्रीति कहा जाएगा। जहां संबंध शिथिल नहीं होता है वो प्रीति अत्यंत उत्कृष्ट होगा। के बराबर आगे कह रहे हैं कि श्री माता श्री रामा ने छपन नाम पर छपन में पढ़ा श्री रामा ब्रजे यत्र सखार निचर ऐश्वर्य ज्ञान ही केवल सक्षम है। ब्रज में शीलामा आदि सखाओं का निचय वाली समूह वो भी ऐश्वर्य ज्ञान ही है, उसमें केवल सख्य भाव है। दो प्रकार के भाव है, एक केवल एक मिश्र। जहां ऐश्वर्य भी साथ में जुड़ा हो, कभी ऐश्वर्य आ जाए कभी वात्सल्य रहे, उसको हम कहेंगे मिश्र।
और जहां पर सदा संबंध ज्ञान ही रहे, ईश्वर ज्ञान न हो, उसका नाम है केवल प्रेम। तो केवल राग और मिश्र राग, ये दो तरह के राग है। तो राग संबंध ज्ञान है, लौकिक संबंध ज्ञान है, परंतु लौकिक संबंध ज्ञान में ऐश्वर्य आने पर मिश्र राग, और जहां पर ऐश्वर्य आने पर भी निज राग बाधित न हो, उस राग का नाम है शुद्ध राग, केवल राग। तो केवल भाव ग्रहण है। कृष्ण संगे युद्ध करे स्कंधे आरोहण, पारा दास भाव करे चरण सेवन। अब ये सखागण भी श्री कृष्ण के साथ में कभी युद्ध करते हैं, कभी कंधे के ऊपर चढ़ते हैं, कभी फिर कृष्ण के चरणों की सेवा भी करते हैं। कभी अच्छा क्यों लाते पान मसल लो, अरे मैं कच्ची खरीद दबा, ऐसा कहकर के श्री कृष्ण सखाओं को आदेश दे रहे हैं और सखा दबा रहे कृष्ण के चरणों। तो दास भाव के द्वारा चरण सेवन भी कर रहे हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया कि पाद संवाहन चक्र के चित्त महात्मा, श्री कृष्ण परम उदार होकर के विराजमान है, उनके महात्मा है जो परम उदार सखागण है, वे सखागण उन श्री कृष्ण के चरणों का पाद सम्मान करते हैं। अपरे हत पापमानो वेद सम भी है, और दूसरे जिनमें कहीं कोई पाप है ही नहीं, हत पापमान है माने जो पाप को नष्ट, फिर सखाओं में तो पाप रह गए कोई सवाल ही नहीं है। हत पापमान कहने का मतलब है दूसरों के पाप को समाप्त कर देने वाले पाप शून्य, ये जो सखा जिनका नाम स्मरण करने से दूसरों के पाप समाप्त हो जाए, वे जन समी है श्री कृष्ण के ऊपर पंखा करते हुए विराजमान हो गए हैं। तो कोई परम उदार श्री कृष्ण के या परम उदार होकर के कृष्ण के, दोनों कृष्ण भी महात्मा है और सखा भी महात्मा है। एक जगह षष्ठी में प्रयोग है, एक जगह बहुवचन में प्रयोग है। तो केवचित तस्य महात्मा, अपरे हत पाप मानो भेजने शब्द भी है, कोई पंखा करते हुए विराजमान हो रहे। कृष्ण प्रेयसी प्रजे यत गोपीगण यात्र पद धूल करे उद्धव प्रार्थना, कृष्ण की चरण गोपियों की चरण में उनकी उद्धव जी प्रार्थना करते हैं। या स्वभाव पर कृष्ण प्रेम नहीं हान, तार आत्मा के परे दासी अभिमान। श्री कृष्ण से बढ़कर के और कोई इनका प्रिय नहीं है, वे श्री कृष्ण गोपियां भी कभी विरह में कृष्ण को अपना स्वामी और अपने को कृष्ण की दासी करके निरूपण करते हैं। दासे आस्ते कृपाया में सखे दर्श संवेद, श्री कृष्ण के मैं तेरी दासी मन मेरी सेवा को करता। तो ये प्रसंग जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि कृष्ण प्रेम का यह प्रभाव है कि गुरु सम लघु सब में दास्य भाव उत्पन्न हो जाता है। सखाओं का प्रसंग दिखाया, अब प्रियाओं का प्रसंग दिखा रहे हैं, मधुर प्रीति में भी दिखा रहे हैं। वृजनों की आरती को दूर करने वाले, अरे वीर वीर कहकर के दिखा रहे हैं कि हम गोपियों की रक्षा कर हमारे ऊपर वीरता दिखाए, अवलाओं के ऊपर ये काय की वीरता, काय बात का वीर है। वीरता मतलब है कि हमारे विरह भाव उसके वीरता दिखा, हमारे कष्ट को दूर कर हमारे ऊपर वीरता दिखा करके हम अवलाओं को दुख देने के लिए दूर मत हो मत, ये मान का भाव भी छिपा हुआ है। तो वृजन आते हैं, वृजनों की आरती को तो दूर करने वाला है और हम अवलाओं को पीड़ा दे रहा है, काय बात का वीर है, ये वीरों के रक्षण है, अवलाओं का रक्षण को पहले करना चाहिए। वृजन आते हैं वीर योशिता निर्जनस्मय ध्वंस दस्मे को,
तू तो निज जनों के मान को नष्ट करने वाला तेरा स्मित है, तेरी मुस्कान ऐसी कि बड़ी बड़ी माननीयों का मान तेरी एक मुस्कान की बाढ़ में कहां बह जाए पता ही नहीं। बड़ा ध्यान करके विराजमान होती है कि मान धारण करेंगी, मान धारण करेंगी। श्री ललता जी श्याम सुंदर भैया चला करके आ रहे हैं और श्री ललता श्याम सुंदर से सखी से श्री राधिका से कह रही हैं, बोला जी सखी इतनी उत्सुकता दिखा करके दौड़ दौड़ करके तू झरोखा में आकर के जो विराजमान होती है तुझमें कहीं न्यूनता आ जाएगी, हीनता आ जाएगी ना, जरा ये झरख श्याम सुंदर को जरा नचा जरा वे अटके, अरे दिख नहीं रही है कहाँ गई, जान बुझ करके थोड़ी सी उनको उत्सुकता उत्पन्न कर मान धारण कर। उस समय श्री प्रिया एकदम व्याकुल होकर के कहती है श्री उद्धव संदेश वहां पर प्रिया के वचन है कि निर्माय त्वं पितर फलकम हार कंसार मूर्तिया बारम बारम दिशसि यदि माम मान निर्वाहराय यत् प्रेक्षन्ति कथमपि पुरा रुद्ध कर्णान्तराहम् साहूकारा कथमपि सखी यापयिष्यामि याम। बोले अभी सखी तू बार बार उपदेश दे रही है कि अभी सखी इतनी उत्सुक मन बन, जरा सी कुछ गंभीर मन रिजर्व बनने पर जरा प्रीति ज्यादा बढ़ेगी, थोड़ी सी रिजर्व बन, थोड़ी सी गंभीर मन, ऐसी उत्सुकता मत देखा। तो श्री राधिका कह रही है कि एक काम कर निर्मायत्वं भीतर फलकम् मेरे सामने एक चित्र में श्याम सुंदर की शिवग्रह मूर्ति उसका अंकन करके चित्र में लिख करके मेरे सामने रख दे। ठीक है तू कह रही है खिड़की के ऊपर मत जा, झरोखा में कृष्ण के सामने प्रतीक्षा करती हुई खड़ी मत हो, ठीक है नहीं कर होती हूँ पर बिना कृष्ण दर्शन किए बिना राह तो जाएगा नहीं, इसलिए एक चित्र में कृष्ण की मूर्ति उनका रचना करके मेरे सामने रखे रख दे। हार संसार मूर्तियां मनोहर कृष्ण की मूर्ति की चित्र को बना दे, बारम्बार दिशा से यदि मान निर्वाह ना हो यह तू मान धारण करने का मुझे उपदेश देती है तो ये उपाय भी तुझे करना पड़ेगा। यह पश्चिम की उस चित्र का दर्शन करके और एक काम दूसरा और करना पड़ेगा। बोले क्या? वो थोड़ी सी रूई ले आ और उसके डट्टा मैं अपने काम में ठूस लूं जिससे कि श्याम सुंदर की बंशी मार मेरे काम में नहीं जाए, नहीं तो बंशी को सुनकर के दौड़ करके चल जाऊंगा कहां से बंशी बजी। तो काम को रोक करके और सामने प्यारे के चित्र का दर्शन करते हुए रुद्ध कर्णांतर हम साहंकार अहंकार धारण करके कथम सखी या श्याम याम मेरी आशा तो ये है कि एक याम किसी तरह से बिताने का हिम्मत कर रही हूं, संकल्प कर रही हूं, निभेगा कि नहीं पता नहीं परंतु इस सब व्रत ले रही हूं कि एक याम तक अहंकार धारण करके बैठूंगे, एक याम से बात की बात मत करना, ये हिम्मत की बात नहीं है, ये अतिरिक्त हो जाए क्या बात। मन इसमें भी संदेह है, पूरा प्रयत्न करके अहंकार पूर्वक मैं एक याम के लिए बैठूंगी परंतु फिर इसके ज्यादा बैठ सकू ये तो फिर बस की बात नहीं है। फिर श्याम सुंदर के पास में अभिशार करने के लिए दर्शन करने के लिए उत्सुक हो ही जाऊंगी। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि निज जन स्मय ध्वंस न स्मितो, श्याम सुंदर का स्मय मन मन जो स्मित है वो ऐसा है कि निज जन के स्मय माने अभिमान को भी ध्वंस कर देने वाला उनका स्मित है, गोपियों के गर्व का हरण करने वाली उनकी मुस्कान है। भज सखे अरे सखा यदि हमने कभी तुझसे कोई कठोर वचन कह दिए हो तो मित्र तो कठोर वचन कहते ही है, तू का इसे बोलेंगे यदि तेरा अपमान कर दिया तो
उस अपमान का को हृदय में लगा करके बैठ गया क्या? सखे कह रहे हैं कि मित्र के द्वारा किए गए बात हृदय में ली नहीं जाती है, प्रयास की बात को, मित्रता की बात को मित्रता ही समझना चाहिए, उसे यथार्थ करके हृदय से लगाए मत। बज सके भवत किंकरी स्मा, हम तेरी किंकरी होकर के, दासी होकर के विराजमान है। जब रामन चार दशे हो, प्यारे अपने कमल सरी के मुख का हमको दर्शन करा दे। तो यहां पर दासी बन गई है, किंकरी स्मन है प्रिया, पर किंकरी बनना चाहती है, ये कृष्ण प्रेम का स्वभाव। इसी तरह से कह रहे हैं किंकरी शब्द का प्रयोग कर रही है, अवगत मधुपुरियाम आदि पुत्रो धुमास्ते, अरे भोरा आदि पुत्र मधुपुरी में कुशल पूर्वक तो है, ये आदि पुत्र संबोधन पत्नी का पति के प्रति ही होता है। यहाँ पर परम स्वीया भाव अपने आप प्रकट हो रहा है कि मधुपुरी में आर्यपुत्र कुशल पूर्वक तो है। स्मरचित पुत्र बेहार सौम्य बंधुश्च गोपाल, वे अपने पिता के घर में जो बंधु हैं गोप हैं उनका कभी स्मरण करते हैं कि नहीं? अरे सौम्य, अरे दूत उद्धव, आर्यपुत्र कुशल तो है, वे कभी अपने पिता के घर में बंधु को उनका भी स्मरण करते हैं कि नहीं? कुछ दर्श कथा में किंकरीणाम गृहीते, कभी कोई प्रसंग में भी वे हम दासियों की कथा कहते हैं कि नहीं? जब अनेक अनेक राजकुमारियां उनकी सेवा करने के लिए उत्सुक होती होंगी तब वो ये कहते हैं कि नहीं कि अरे राजकुमारियों, जैसे तुम मुझे तांबूल प्रदान करती थी, ऐसे कभी ललता भी तांबूल प्रदान करती थी, जैसे तुम मेरे अंगों के ऊपर चित्रांक करती हो, ऐसे विशाखा भी कभी मेरा श्रृंगार करती थी, कभी चित्रा भी मेरे ऊपर चमर करती हुई विराजमान थी जैसे तुम चमर करती हो। तो कुछ दफे हम किंकरियों की चर्चा भी प्रसंग में वे कभी करते हैं कि नहीं? हाय, उनकी अगुर से भीगी हुई सुगंधी भुजा, उसको हम अपने माथे के ऊपर कब धारण करेंगे? तो भुजम अगुर सुगंधम मूल धासित कदम, वे कब हमारे माथे के ऊपर अपनी भुजा को साबित करके हमको आश्वासन देते हुए कहेंगे, गोपियों मैं तो तुम्हारा ही हूं, तुमको छोड़ करके कहीं गया नहीं हूं, मैं यहां हूं, जाओ मत, मैं तुम्हारी सौगंध खा करके कहता हूं कि अब तो गया, अब कभी नहीं जाऊंगा। तो मूर्ति रहस्य का तात्पर्य है कि कब हमारी सौगंध खा करके वो हमारे पास में रहने का वचन देगा। तो यहां पर भी किंकरिया किंकरी शब्द का प्रयोग है, उन प्रियाओं में भी तासी भाव आ गया। तास अभाव कथा रहू श्रीमती राधिका, सभा इनके सकलांशी परम अधिका, श्री राधिका तो सभी की अपेक्षा परम अधिक है। उन सबों की तास अभाव कथा रहू, उन सबकी कथा को छोड़ो, श्रीमती राधिका इन सबके बीच में अधिक परम अधिकार होकर के विराजमान है। ये हो या दासी भया सेवे चरण, वे श्री राधिका भी कृष्ण की दासी बन करके चरणों की सेवा करना चाहती हैं। या प्रेम गोरे कृष्ण बद्ध अनुक्षण, उनके प्रेम में कृष्ण निरंतर बने हुए हैं। और श्री राधिका कहती हैं, तो जब राधिका कहती हैं तो यहां पर प्रसंग जो चलता है वो ये कि श्री अद्वैताचार्य भले कृष्ण से बड़े हैं परंतु बड़े होने पर भी वे कृष्ण के दास हैं, दास भाव रखते हैं, ये प्रसंग चलता है। उसके प्रमाण में श्री राधानंद के वचन दे रहे हैं कि हानाथ रमण प्रेष क्वास क्वास महादेव दास्यास्ते कृपायामि
सखी दर्शक संग में, हे नाथ, नाथ माने हमारा रक्षक। नाथ का तात्पर्य है हमसे याचना करने वाला, और नाथ का तात्पर्य है हमको वरदान देने वाला। नाथ शब्द के तीन अर्थ होते हैं, नाथ माने रक्षक, नाथ माने याचना करना, और नाथ माने देना। वो ही दाता है, वो ही याचक है, और वो रक्षक है। नाथ नाथ है, नाथतम, नाथ माने रक्षक, नाथ है माने प्रदान कर, नाथ माने याचक। तीनों का बड़ा सुंदर नाथ शब्द के तीनों अर्थ एक ही बाकी में पूरे आते। नाथ नाथ है, नाथतम, गोपियों के वचन। तो हा नाथ, तू ही हमारा रक्षक है, तू ही हमारा हमसे याचना करने वाला है, हमारी अभिलाषा रूप है, और उन याचना को देने वाला भी तू ही है। हे रमण, वास्तव में प्यारे तू ही सर्वथा रमणीय सुंदर होकर के विराजमान है। ऐसा तेरे सभी का कोई जगत में नायक संभव है ही नहीं। हे रमण, हे परम प्रिय, कहां है, कहां है? अरे महाभुज, लंबी भुजा वाले, अनेक अनेक बार तूने हमारे मार्ग को रोक करके हमसे दान ग्रहण किया था। अरे महाभुज, लंबी भुजा वाले, आज ये प्राण शरीर से निकलना चाहते हैं, कि निकलते हुए प्राणों को भी तू अपनी लंबी भुजा का सहारा देकर के रोकने रोकते। दास दे प्यारे, हम तेरी दासी हैं, और दासी का जैसे संरक्षण किया जाता है, ऐसे अपना मुख दर्शन करा करके हमारा भी दर्शन संरक्षण कर। उसमें भी कृपण दासी हैं, असहाय है। सखे दर्शक संग दिन, अरे सखा, हमारी बात का बुरा मत मानना, किसी बात को दिल से लगा करके बैठ गया है क्या? ऐसा मतलब मित्र के वचन को हृदय से भी लगाया जाता है। दर्शक संदेह, प्यारे तू सामने आया, यही हमारी सारी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। तो द्वारका ते रुक्मणी आदि यदि वैशी ताहरो आत्मा के माने कृष्णदासी। अब द्वारका इत्यादि में जो वैशी गण है, वे भी अपने आप को दासी करके ही मानती है। श्री रुक्मणी जी कह रही है कि चैत्य आय मर्पित कारु के ब्याह राजस्व जे भटशेखरेणु निंदे भाग भजा व्यूथान तक्षिणी चरणोस्तु मम अर्चनाय। श्री द्रौपदी जी ने पूछा, कृष्ण ने कैसे तुम्हारे साथ में व्यवहार किया? उस रुक्मणी जी सबसे पहले कह रही है कि मेरे भाई और पिता ने तो मुझे शिशुपाल को देने का निर्णय किया था, चैत्याय मर्पयित उद्यत काम के, उसे वे बड़े बड़े धनुष लेकर के भी तैयार थे मुझे रोकने के लिए, परंतु राजेश्वर के भविष्य रक्तांधरेणु बड़े बड़े राजा थे, परंतु उन भटों के द्वारा भी जिनमें वे भट भी जिनके चरणारविंद में प्रणाम करते हैं, ऐसे में श्री कृष्ण मुझे उसी प्रकार दे गए जैसे एक शेर भावन अलिव्यू था, जैसे भेड़ों के समूह से अपने भाव को उठा करके ले जाता है, वो भेड़ कुछ नहीं कर पाती है, ऐसे वे राजा कुछ भी नहीं कर पाते। तो अजाव्यू था बकरियों के ढेर से, जैसे शेर अपने भाव को ले जाता है, ऐसे श्री कृष्ण उनके ले गए। उन श्री निकेतन के चरणों में हमारी एकमात्र प्रीति हो। और जितने भी वैशी गण हैं, वे भी ये कह रहे हैं कि हम तप कर रही थी, उन्होंने जान करके, श्री कालिंदी जी कह रही हैं, उन्होंने मुझे जान करके, तप करते हुए जान करके,
तपश्चरंती में आज्ञा है स्वाद स्पर्श पर्शन आशया कि कृष्ण के चरण मुझे मिले। श्री कृष्ण ने सखियों पे अग्रहित अपने सखा अर्जुन को मेरे पास में भेज करके मेरे हाथ को उन्होंने कृपा करके ग्रहण किया। मैं योहम तक ग्रह मार्जिनी, मैं उनके घर की दासी बन करके मार्जिनी बन करके उनकी सेवा करूं। इस प्रकार सभी कृष्ण की दासी बनने का प्रयास करते हैं। तो श्री अमृताचार्य भले 52 वर्ष बड़े हैं फिर भी दासी बन करके सेवा करें, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। बोले श्री अमृताचार्य की जय। निदाय गौर हबीब गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय निदाय गौर